इन्फ्लुएंसर क्या होता है, किसे हम इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये इन्फ्लुएंसर के पीछे इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रही है, आज के डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है बहुत ज़्यादा पैसा क्यों अर्न कर रही है, ये सब तो समझेंगे। इसके साथ साथ ये समझेंगे कि इस इन्फ्लुएंसर के पीछे जो है कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ डार्क साइड भी है, और कुछ पैसे के लालच में आकर के क्या क्या गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ समझना चाहते हैं तो बस कुछ मिनट दीजिए और कुछ ही देर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये इन्फ्लुएंसर कौन हो सकता है। इन्फ्लुएंसर एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पावर से, मतलब उसके बोलने के पावर से जो है लोग परचेज करने तक का डिसीजन ले लें, और ऐसा तभी होगा जब उस पर्सन का किसी एक फील्ड में ट्रस्ट बना रहेगा, एक्सपर्ट होगा, ऑथोरिटी होगा, जिसके कारण लोग उसके बारे में जानता होगा कि हाँ ये जो बोलेगा सही बोलेगा। अगर ये किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड कर दिया तो उस प्रोडक्ट को बाय करने में कोई भी टेंशन नहीं है, तो ऐसे पर्सन को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। और ये चीज़ तो समझ गए, और साथ साथ अब ये समझेंगे कि आखिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इन्फ्लुएंसर के पीछे इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि ऐसा पर्सन जिसके कारण से, जिस पे लोग इतना ट्रस्ट करें कि वो परचेज करने तक का डिसीजन उस पर्सन के कारण ही डिसाइड कर पाता है। तो ऐसे में कंपनियां सब इस इन्फ्लुएंसर के पीछे आती है, उन्हें पैसा देती है और उन्हें कहती है यार एटलीस्ट मेरे प्रोडक्ट के बारे में अपने लोगों के बीच बोलिए, ताकि लोग इन्फ्लुएंस होकर के उसके प्रोडक्ट को खरीदे और वो कंपनी प्रॉफिट में जाए। अब ये यहाँ पे तक तो समझ में आता है और गलत कहीं पे भी नहीं है, लेकिन इसके आगे जो खेल होता है उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होता है, और उसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाने वाला है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उसके फॉलोअर की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में अगर वो सोशल मीडिया पे आकर किसी प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड कर दे तो फिर लोग जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जो है उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, उसको कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सोशल मीडिया आजकल पॉपुलर जो है वो है एक फेसबुक और एक है यूट्यूब, ये दोनों सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आज के डेट में पॉपुलर हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि ट्विटर के कारण भी लोग जो है डिसीजन अभी ले रहे हैं। ऐसे में एक एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में। आप लोग देखते होइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फॉलोअर जो हैं या सब्सक्राइबर कह सकते हैं मिलियंस में हैं, राइट। और वो जो है किसी प्रोडक्ट, खास करके स्मार्टफोन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान का, वो जो है वहाँ पर रिव्यू करते हैं, और जब लोग उस पर विश्वास करते हैं और एक बार कह दिए कि हाँ ये स्मार्टफोन बढ़िया है, तो लोग उस स्मार्टफोन को परचेज करने में थोड़ा भी देर नहीं लगाते हैं, और ऐसे में ये बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और ये काम जो करना कहीं से भी गलत भी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, मैं बोला था कि मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल लूँगा। आप मेरे बारे में जानते हैं कि लगभग मैं 7-8 साल से ब्लॉगिंग के फील्ड में काम करता हूं, और इतने दिनों से काम करने के बाद इतना तो ज़रूर समझ में आ चुका है कि कौन सा वेब होस्टिंग वाली कंपनियां सही है, कैसे ठगती है, क्या चीज़ होना चाहिए, और कौन कौन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे जिससे ब्लॉग जो है आगे ग्रो होगा और उससे अच्छा खासा इनकम होगा। तो जैसे कि आप सभी लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं जो कि खासकर ब्लॉगिंग के फील्ड में हैं, तो वो सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं किसी एक कंपनी के बारे में बता दूं कि इसका वेब होस्टिंग बढ़िया वाला आ चुका है, तो ऐसे में परचेज डिसीजन लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं कि एक छोटा सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं भी हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। अब दोस्तों समझते हैं कि इसके डार्क साइड के बारे में, कि आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पीछे जो है कुछ गलत काम जो है वो कैसे हो रहा है। वो हो रहा है कि इसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करके कुछ फर्जी कंपनियां जो है लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं। हुआ ये कि अगर जिन लोगों को एक ब्रांड बनाना है, मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर है, वह अपने आप को आगे ले जा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ले जा रहा है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी गलत प्रोडक्ट या गलत कंपनी का जो है प्रमोशन अपने प्लेटफॉर्म पे कर दे, अपने प्रोफाइल पे कर दे। लेकिन जो लोग दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख करके, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बैठा होता है कि सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो वो आते हैं, थोड़ा सा जो है फॉलोअर बटोरते हैं, और इसके बाद जो है
वो कोई कंपनी, ऐसा कंपनी जो फर्जी कंपनी होता है और वो अपना प्रॉफिट के चक्कर में इस इन्फ्लुएंसर को जो है कुछ ज़्यादा रकम दे देता है और उससे भी ना माने तो कुछ और एक्स्ट्रा ऑफर कर देता है और बोलता है कि अपने सर्किल में अपने फॉलोअर के सामने मेरे प्रोडक्ट के बारे में ये बोल दीजिए। जबकि याद रखिएगा, वो जो इन्फ्लुएंसर का जो कैटेगरी होगा, जो नीच होगा, नीच और कैटेगरी का मतलब होता है जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट होगा, वो फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड वाले प्रोडक्ट का वो एक तरह से रिव्यू या रिकमेंडेशन करना शुरू कर देता है। और जब ये करे तो समझ जाइए कि उस इन्फ्लुएंसर का खुद का एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट के बारे में क्या होगा। तो ऐसे में वो पैसे के पीछे चला गया और बाद में जा कर के नुकसान जो होता है उस इन्फ्लुएंसर का तो कुछ नहीं होगा, वो तो उस अपना प्रॉफिट निकाल के चला गया। उस कंपनी का भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो कंपनी वाले तो उल्टा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, तो वो तो बेच के निकल गया। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है कंज्यूमर, कस्टमर का होता है, जो आँख मूंद करके ऐसे इन्फ्लुएंसर पर ट्रस्ट करते हैं। तो इसको कैसे पहचाने कि कौन इन्फ्लुएंसर जो है गलत चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन इन्फ्लुएंसर जो है सही चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ ब्लॉगिंग के फील्ड में प्लस में बिजनेस के फील्ड में, मतलब कि फाइनेंस और ब्लॉगिंग मेरा कैटेगरी है जिसमें मैं इतने सालों से, लगभग 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ और वही चीज़ मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। लेकिन एकाएक मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जो है, मैं अपने चैनल पे हो गया या किसी भी आईडी पे हो गया, वहाँ पर मैं ब्यूटी का प्रोडक्ट जो है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है, वो जो है मेकअप का प्रोडक्ट का जो है प्रचार करना शुरू कर दूँ। प्रचार का मतलब मैं अपने वीडियो में बोलना शुरू कर दूँ कि इस ब्यूटी प्रोडक्ट को आप परचेज कर लीजिए। इट मीन्स क्या होता है कि वो कंपनियाँ मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया है, जितना मैं सोच नहीं सकता उतना पैसा दे करके वो चाह रही है कि मैं अपने लोगों के सामने उसके बारे में प्रचार करूं। जबकि सभी लोग, आप भी जानते हैं, जितना एक्सपीरियंस आपका होगा ब्यूटी के बारे में, शायद उतना ही एक्सपीरियंस मेरा भी होगा। नया नया प्रोडक्ट होगा, मुझे खुद नहीं मालूम होगा कि उसका इस्तेमाल करने से कहीं स्किन खराब ना हो जाए, है कि नहीं, राइट? तो सिंपल सा फंडा है कि जिस फील्ड का एक्सपर्ट रहे उसकी बात को सुनिए और इसके बाद डिसीजन ले सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन जिस फील्ड का एक्सपर्ट ना हो और फिर भी किसी चीज़ के बारे में बोले और जहां पे आपको एक रुपया भी खर्च करने की बात हो, तो वहां पे सोचिए कि उसके कहने से, जिसके कहने से आप परचेज करने की सोच रहे हैं, उसका इस फील्ड में कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितना अप डाउन देखा है, कितने बार जो है ठगाया है या कितने बार जो है बढ़िया काम किया है। जब तक ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, आप अठन्नी भी खर्च उसके पीछे मत करिएगा। तो मैंने जो आपको तरीका बताया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट तो करिएगा और बढ़िया लगे ना। और चूँकि आज के डेट में जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे में मैं चाहता हूँ इसको शेयर करके लोगों को जानकारी बढ़ाइए ताकि वो कभी भी किसी गलत इन्फ्लुएंसर के चक्कर में नहीं पड़े। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।